दिल्ली के मुंडका में 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई है। इसमें फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। शाम को लगी आग देर रात तक बुझाई जा सकी है। बिल्डिंग में कई कंपनियों के ऑफिस, सीसीटीवी कैमरों का गोदाम और फैक्ट्री चल रही थी। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में तुरंत सुधार की बात कही। उन्होंने नेताओं से कहा कि अब पार्टी का कर्ज चुकाने का वक्त है। पार्टी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में ऑफिस में घुसकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय राहुल भट्ट की हत्या में से कश्मीरी पंडितों का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने घाटी में कई जगह प्रदर्शन किया है। विरोध हिंसक होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। हालांकि सुरक्षा बलों ने 35 साल के राहुल की हत्या करने वाले आतंकियों को 24 घंटे के अंदर मार गिराया है। भीड़ भरे ऑफिस में हुई हत्या की जाँच के लिए SIT बना दी गई है। ताजमहल पर मालिकाना हक का दावा करने वाली जयपुर राजघराने की राजकुमारी सांसद दिया कुमारी को मुगल वंशज प्रिंस तूसी ने खुला चैलेंज दिया है। साथ ही तूसी ने राजकुमारी के सभी दावों को सस्ता पब्लिसिटी स्टंट बताया है। गुना के आरोन में शिकारियों से हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस टीम में शामिल ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना शनिवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शिकारी नौशाद मेवाती मारा गया है। SI राजकुमार जाटव के हाथ में गोली लगने के बाद भी उन्होंने कई राउंड फायर किया। घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। देश में गर्मी का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से पारा 40 डिग्री के पार बना हुआ है। मौसम विभाग ने शनिवार को कई शहरों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित कई शहरों में 45 डिग्री के पार जाने की संभावना है। इससे लोगों को काफी परेशानी होगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,841 नए केस सामने आए हैं। ये गुरुवार के मुकाबले 0.5% ज्यादा है। वहीं 11 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 3,295 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद भारत में कुल रिकवरी रेट 98.74% पर पहुंच गया है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। हमारी टीम ने प्रतिष्ठित थॉमस कप टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में भारत ने डेनमार्क को कड़े मुकाबले में 3-2 से हरा दिया है। शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग की शुरुआत के साथ ही साल 2022 का डायमंड लीग का सीजन भी शुरू हो गया है। इस बार जुलाई में यूजीन अमेरिका में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी है, इसीलिए सभी बड़े खिलाड़ी इसकी तैयारी के लिए डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। इस्तांबुल में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 बार की एशियाई चैंपियन भारत की पूजा रानी ने एक तरफा जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ललिना बोरोगोहेन का सफर समाप्त हो गया है।